जेम पोर्टल पे एक ऑप्शन है कि आप बायर्स के अगेंस्ट में इंसिडेंट रेस कर सकते हैं, अगर आपका पेमेंट टाइमली नहीं आ रहा है या डिले हो रहा है, या आपका प्रोडक्ट रिसीव करने के बाद भी आपने बायर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसे एक्सेप्टेंस क्रैक जनरेट नहीं किया, या अदर किसी रीजन से आप बायर्स के अगेंस्ट में इंसिडेंट रेस कर सकते हैं किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको डैशबोर्ड पे आना है, फिर आपको ऑर्डर का वो कॉन्टैक्ट नोट करना है जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप इंसिडेंट रेस करना चाहते हैं। जैसे कि ये कॉन्टैक्ट डिटेल नंबर है, ये GMC, ये कॉन्टैक्ट आपको नोट करना होगा जिस भी आपका ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको ये करना है, इंसिडेंट रेस करना है। तो उसके बाद ये नोट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, नीड हेल्प, यहाँ पे जाके फोर्थ ऑप्शन है रिपोर्ट एंड इंसिडेंट, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मेरे अगेंस्ट में भी इंसिडेंट आया हुआ है, ये सारे क्लोज्ड है। तो आपको नया इंसिडेंट करना है, कैसे करना है, तो आपको न्यू पे क्लिक करना होगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कांटेक्ट नंबर पूछेगा, तो आपको कांटेक्ट नंबर दे देना। मैं सिंपली एक देके दिखाता हूँ, जिस तरह से देना है वही देना होगा। तो मैंने ये डाल दिया कांटेक्ट नंबर, ये सर्च पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको तो जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा ये वाला स्मार्ट लैब्स, ये मेरा एक पोस्टल ये वाला 4950 है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे बायर्स का डिटेल आ जाएगा, यहाँ पे सेलर का डिटेल आ जाएगा, यहाँ पे बिल नंबर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ये मेरा 16 नंबर का बिल था, ये बिल नंबर है, वहाँ पे डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे रीज़न पूछेगा आप किस रीज़न से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको रीज़न अप्रोप्रिएट रीज़न सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है कैंसिलेशन द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर एक्सेप्टेंस द ऑर्डर सेम बाय द सेलर, ये आपके अगेंस्ट में आ सकता है, ये आपको नहीं करना है। जैसे ये डिले इन क्रैक जनरेशन, अगर आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो चुका है और बायर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया उसे, अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं दिखाया जेम पोर्टल पे, तो वो आप उस केस में आपको डिले इन क्रैक जनरेशन दिखाना है। और डिले इन पेमेंट पोस्ट क्रैक जनरेशन, मतलब आपका कंसाइनमेंट रिसीव हो चुका है उसके बाद भी, रिसीव हो चुका है उसके बाद भी पेमेंट आपका नहीं हो रहा है, तब उस केस में ये दिखाना है। मैक्सिमम केस में यही होता है, रिफ्यूजल टू रिसीव द पेमेंट एट द कंसर्निंग प्लेस, अगर आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गया और बायर्स ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है विदाउट एनी रीज़न, रिजेक्टिंग द गुड्स विदाउट एनी वैलिड रीज़न, आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देता है अगर बायर, तो उस केस में ये देना है। इस तरह से आपका अप्रोप्रिएट जो भी रीज़न होगा तो आप दे सकते हैं। मेरे केस में आपका रिसीव कर चुका है, कंसाइनमेंट रिसीव हो चुका है, उसके बाद भी पेमेंट नहीं आ रहा है, तो उसको मैंने ये सेलेक्ट करना है। उसको तो आपको सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये डिटेल आएगा, ये मैंने पहले किया था, आपको इस तरह से रिस्पॉन्स आ जाएगा, सीएस पेंडिंग, यहाँ पे स्टेटस अभी भी पेंडिंग है, यही कॉन्टैक्ट डिटेल है, अभी भी पेमेंट नहीं पेज आया खुलेगा। इसके अगेंस्ट में यहाँ पे देखिए मैंने ये कुछ दिन पहले किया था, ये मैंने 14 को किया था, आज 18 डेज हो चुके हैं, इस पर अभी तक पेमेंट नहीं आया इसका। तो जब पेमेंट आ जाएगा मैं इसको क्लोज कर दूंगा, या आप उसके साथ अटैचमेंट भी दे सकते हैं, या आपको अटैचमेंट भी दे सकते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट भी अगर दे सके, स्क्रीनशॉट खींच के आप इसके साथ अटैच करके भेज सकते हैं, और इसको आप रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं मैसेज या चैटिंग के तरह से रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।